परम सत्कार योग खालसा जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पिछले दिन एक बड़ी ही बेहद दुखदाई खबर साढ़े सारे सामने आई कि पत्रकार वीर प्रीत सिंह सैनी जो साढ़े नहीं रहा, उस वीर की जी मौत सी बड़े भेद भरे हालातों के हुई, उसकी मौत का जोड़ा सच सामने आना चाहिए आ। सो हूँ जी संगत के नाल गल सी करनी है कि सोशल मीडिया के उत्ते एक साढ़े सिंगा धमकी दी गई है। सो वो जी धमकी भावें सोशल मीडिया के उत्ते ही आनू हल्के नहीं लैना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों के साढ़े को बहुत सारे जोड़े जुझारू सिंह आडे तो खोए गए आ। जालम सरकार ने किसी को गोली मार के शहीद कर दिता, किसी को एक्सीडेंट राही शहीद कर दिता, किसी को जहर दे के जरा शहीद आ वह कर दिता। हूँ जो प्रीत सिंह सैनी का अंतम संस्कार हो रहा सी तो उदे थले एक धमकी लिखी गई, वो आई डी फेक सी, वो आई डी कोई चला रहा सी, भावें फेक भी हो फिर भी वो कोई ना कोई तो उस आई डी जिहड़ा आ चला रहा है, नाम भावें कोई फेक रखिया होवे जां वो सच्चा होवे। उस आई डी तो कहा गया कि प्रीत सिंह सैनी तो असी मार दिता आ, तो हूँ जिहड़ा साडा पत्रकार वीर आ भुपिंदर सिंह सज्जन उन्हूं धमकी दिती गई कि हूँ जिहड़ा भुपिंदर सिंह सज्जन आ वह तैयार रहे, अते सरबजीत सिंह घुमान भी, सरदार सरबजीत सिंह घुमान जो खालिस्तानी चिंतक आ, पंथक लेखक आ, पिछले लंबे समय तो खालसा पंथ की आज़ादी के लिए, चढ़ती कला के लिए, खालिस्तान के लिए जूझते आ रहे हैं, और इस तरह पंथक पत्रकार भाई भुपिंदर सिंह सज्जन वो पंथ और पंजाब के मुद्दों जोड़ा आ वो अपने चैनल राही चुकते आ रहे हैं, सिख संघर्ष के पंथक सरगर्मियों के योगदान पाते आ रहे हैं। सो य जी धमकी दी गई है इनू हल्के नहीं लेना चाहिए, जिन्हों लोगों ने यह धमकी दी है, जिस आई डी तो जिस बंदे ने धमकी दी है, सो सरकार नू पुलिस नू चाहिए आ कि वह बंदा जरा तुरंत वो लभ्या जाए तो पता किया जाए कि इन बंद मनों के चलता ज इना की प्लैनिंग आ, इना की नीति आ, उन्होंने बंद फड़ के जिहड़ियां सजावां आ वह दित्तियां जानियां चाहीदियां। सानू पता है कि पुलिस ने ज सरकार ने यह काम छेती किते नहीं करना, क्योंकि जिन्होंने धमकी दी गई है वह एक सिख वो सिख आ, वह पंथक सरगर्मियों के विचरते आ, वह खालसा पंथ की चढ़ती कला जूझन वाले गुरसिख आ। पर दूजे पास जे किसे यही धमकी किसी हिंदू आगू नूं आई हुंदी तां सरकार ने पुलिस ने उस वेले जिहड़ा एक्शन करके तो उन्हां बंदियां नूं जिहड़ा आ वह फड़ लेना सी। जो सरकार ने बंदे फड़ने हुंदे आ तो सरकार उदों फिर थाईलैंड तो भी फड़ लिया है, कनेडा तो भी फड़ लिया है, पर जदों किसी गुरसिख नूं कोई धमकी दी जाती है जां किसी गुरसिख दे नाल कोई घटना वापरती है तो सरकार कुछ भी नहीं करती, सरकार कहती है कि जो हुंदा आ वो होण दिओ, उल्टा गुरसिखां नूं ही डराया धमकाया जाता आ। सो सरदार सरबजीत सिंह घुमान अते भुपिंदर सिंह सज्जन वो खालसा पंथ की अमानत आ, सो उन्हां नूं जिहड़ियां धमकियां दित्तियां जा रही कोई भी सिख बर्दाश्त नहीं करेगा। जेकर इन्हां गुरसिखां जुझारूआं का कोई नुकसान हुंदा आ तां इह पंजाब सरकार पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होवेगा, सो तुरंत पुलिस प्रशासन नूं कानूनी कार्रवाई उन्हां लोकां दे उत्ते करनी चाहीदी है जिन्हां ने यह जिहड़ी धमकी आ उह दित्ती। सो जेकर उह बंदे लभे जांदे आ ते प्रीत सिंह सैनी का हो सकता है कि उहदी मौत का जिहड़ा सच आ उह वी सामने आ जावे, क्योंकि उह बंदा खुद लिख रिहा आ। मैं पहलां वी इह गल क्लीयर कीती कि भावें वह फेक आई डी भी क्यों ना हो, पर फेक आई डी भी कोई ना कोई चला तो जरूर रहा है, कोई बंदा ही चला रहा है, वो कोई आसमानों तो चल नहीं रही, कोई भूत तो उन्होंने कोई चला नहीं रहा, कोई रूह तो उन्होंने कोई चला नहीं रही, कोई बंदा ही चला रहा ना, वो बंदा लभ्या जाए जिन्हें लिखा आ कि प्रीत सिंह सैनी तो असं कहते मार दिता वह काम कर दिता, तो हूँ भुपिंदर सिंह सज्जन 2026 मारा तो सरबजीत सिंह घुमान भी जरा तैयार रहे। देखो मैं इस गल बड़ी गंभीरता दे नाल इस करके लै रहा हाँ कि एक तो यह दोवें सिंह खालसा पंथ की अमानत आ, खालसा पंथ की चढ़ती कला के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मेरे नाल अक्सर इन्हां गुरसिखां की गलबात होंदी भी रहिंदी है, तो गल जिहड़ी गंभीरता की गल आ
ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਨਿਹੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2018 ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ PhD ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਉਠਾਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।